नमस्ते दोस्तों, आपके सामने मैं समर राय समाधान की तरफ से फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा जो फॉलोअर्स है उनमें से किसी एक ने हमने पूछा था कि सर जी, अब जब प्रोटूल्स में डिले लगाते हैं या रिवर्ब लगाते हैं वो आप कैसे लगाते हैं, एक बार दिखाइए। तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप वोकल ट्रैक में या कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में आप रिवर्ब लगाने जा रहे हो या डिले लगाने जा रहे हो, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रैक में आप काम कर रहे हो। तो ये देख रहे हैं कि हमारे सामने जो ये जो मिक्स विंडो है एक गाने का, ये कम्प्लीटली रॉ सॉन्ग है, इसमें कोई अभी प्लगइन्स तो इतना नहीं दिया, लेकिन हम वोकल ट्रैक में आपको करके दिखाते हैं कि वोकल ट्रैक में हमने अगर रिवर्ब डालेंगे या डिले डालेंगे तो कैसे डालेंगे। आपको पता ही है कि ये जो इंसर्ट सेक्शन है इसमें आप कोई भी ड्राई इफेक्ट लगा सकते हो किसी ट्रैक को एनहेंस करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। जैसे हम लोग EQs लगाते हैं या कंप्रेसर लगाते हैं, तो वैसे ही कोई भी ड्राई जो इफेक्ट है प्रोसेसर का जो ड्राई इफेक्ट है वो आप लगा सकते हो उसमें। आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे हम वोकल ट्रैक में एक शेप्स ओमनी 73 एक इक्लोजर लगा दिया है और उसके साथ साथ CLA-3A एक कंप्रेसर लगाया, CLA-3A कंप्रेसर है इसको लगा दिया वहाँ पे और उसी हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लिए। एक वोकल ट्रैक में हम लोग ने पहले से इसको सिलेक्ट कर रखा है, एक सिलेक्ट किया और इसको हम सुनेंगे और देखेंगे इसमें ड्राई इफेक्ट देने के बाद इसका आवाज़ कैसा होता है, देख लीजिए एक बार। तो इसमें हम लोगों ने पहले से एक CLA-3A लगाया, CLA-3A जो है ये कंप्रेसर है और उसके ऊपर लगा दिया चेन के हिसाब से, अपर चेन में लगाया शेप्स ओमनी। इसमें आपको प्रीएम्प मिलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का गेन स्विच मिलेगा, मिड फ्रीक्वेंसी का गेन एंड क्यू मिलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी का गेन एंड क्यू मिलेगा और हाई पास फिल्टर जो आप लगाना चाहते हो। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका मीटरिंग ठीक ठाक है कि नहीं। मैं इसको सोलो कर दिया है, अब इसको मैं बाईपास कर रहा हूँ, टोन चेंज हो गया, CLA-3 को बाईपास कर रहा हूँ, तो साउंड थोड़ा सा मडी हो गया, लेकिन इन दोनों को अगर एक एक करके हम चालू करेंगे तो टोन आपको और भी क्लियर सुनाई देगा। तो चलिए अभी इस वोकल में हम रिवर्ब लगाएंगे और डिले लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मास्टर ट्रैक है इसको बिल्कुल राइट में रखते हुए इसका बगल में और दो ऑक्सिलरी ट्रैक लेना है आपको। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे भी रिवर्ब जैसे इंसर्ट सेक्शन में रिवर्ब डिले लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल बेकार रहेगा आपके लिए क्योंकि साउंड उसमें खराब हो जाएगा। आप यहाँ पे मास्टर के बगल में दो ट्रैक लीजिएगा, दो ऑक्सिलरी ट्रैक लीजिएगा। तो ऑक्सिलरी ट्रैक लेने के लिए आपको कुछ कमांड दबाना पड़ता है, शिफ्ट कंट्रोल एन दबाने से आपको न्यू ट्रैक्स का एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें काउंट दीजिएगा 2 और न्यू जो ट्रैक होगा ये स्टीरियो होगा या मोनो होगा। आपको स्टीरियो चाहिए आप स्टीरियो लीजिए, आपको अगर मोनो चाहिए तो आप मोनो भी ले सकते हैं। और ट्रैक का कैरेक्टर क्या है, ट्रैक का कैरेक्टर होगा ऑडियो ट्रैक नहीं ऑक्सिलरी इनपुट, और ये सैंपल्स जैसा है वैसे रहने दीजिएगा। इसके बाद क्रिएट कीजिए, तो दो काउंट यहाँ पे है, दो काउंट इसमें हम 2 दबाएंगे, डिलीट कर दिए, दो काउंट हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा OX1 एंड OX2 ये दोनों में आपका ये दोनों ट्रैक तैयार हो गया है। अभी जो OX1 है इसमें डबल क्लिक कीजिए, इन फ्यूचर में ट्रैक को पहचानने के लिए आपको सुविधा मिलेगी, इसीलिए आप ऑक्स जो वन है इसका नेमिंग कर दीजिए रिवर्ब, REV देने से आपको समझ आएगा कि रिवर्ब है। और दूसरा जो ट्रैक ऑक्सिलरी ट्रैक है ये वाला, इसको दीजिए डिले, DL शॉर्ट में लिखते हैं हम डिले, ओके कर दीजिएगा। तो रिवर्ब और डिले यहाँ पे लग गया।
अब इसका जो 16 बटन है इसको डिफीट कर लीजिएगा, कंट्रोल और एस दबाने से ये 16 बटन डिफीट हो जाता है, तो इसको डिफीट कर लिए। इसको डिफीट इसीलिए किया कि जब किसी एक को आप सोलो करेंगे तो सबके सब ट्रैक म्यूट हो जाता है, लेकिन ये जो इफेक्ट ट्रैक जो है मतलब ऑक्सिलरी ट्रैक जो है ये लेकिन म्यूट नहीं होता। अगर ये डिफीट नहीं किए होते तो सोलो करते करते ये ऑटोमेटिकली ये भी आपका म्यूट हो जाएगा और आपको रिवर्ब या डिले कुछ सुना नहीं देगा, इसीलिए इसको आप डिफीट कर रखिए। जैसे यहाँ पे डिफीट है, ये वाला देखिए डिफीट है। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा था, रिवर्ब जो आपने चेंबर लिया है मास्टर चेंबर, इसको आप इसका जो फेडर है ज़ीरो में रखिए, डिले का भी फेडर को ज़ीरो में रखिएगा, और पैन पोर्ट जैसा एक्सट्रीम लेट एक्सट्रीम ब्राइट है वैसे रहने दीजिए। इसका इनपुट जो है, इसका इनपुट दीजिएगा ऑक्सिलरी बास, जैसे कि मान लीजिए 5/6 या 3/4 दीजिए रिवर्ब के लिए और 5/6 ऑक्सिलरी बास ये दीजिए डिले के लिए। तो क्या हो गया, रिवर्ब के लिए 3/4 एंड डिले के लिए 5/6, ये है ऑक्सिलरी इनपुट। इसको ध्यान में रखते हुए आप ख्याल रखिएगा कि ये जब आप वोकल में देंगे रिवर्ब के लिए आपको यहाँ पे 3/4 बासी चुनना पड़ेगा, मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अभी आपको जो करना है, डायरेक्ट रिवर्ब चेंबर के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे इंसर्ट सेक्शन है यहाँ पे आपको एक रिवर्ब डालना होगा। जैसे कोई भी रिवर्ब आप फिलहाल मैं डाल लेता हूँ कि डी वार ऐसा कुछ है तो ये डाल लेता हूँ, और डिले के जगह में कोई भी एक डिले जो आपको पसंद है वही डिले आप लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एज डिले हो, एज डिले आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें रिवर्ब आ गया, इसमें डिले आ गया, लेकिन ध्यान में रखिए जो 3/4 चैनल है, ये 3/4 चैनल में आप अगर इसमें रिवर्ब देना चाहते हैं, किसी भी चैनल में अगर रिवर्ब देना चाहते हो तो इस 3/4 बास को आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं वोकल में अभी रिवर्ब दे रहा हूँ पहले, तो इसमें 3/4 बास नंबर 3/4 देखिए यहाँ पे ऑलरेडी येलो कलर का है, मतलब ये ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड है। 3/4 डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पे डालेंगे आपके पास एक पॉप अप विंडो आएगा ये वाला, तो इसको लेवल आपको उठाना है ऊपर, लेकिन जितना चाहिए मतलब वोकल में जितना रिवर्ब चाहिए उतना ही आप दे सकते हो। अब चलिए सुन लेते हैं वोकल को। अभी बिल्कुल ड्राई बज रहा है, अभी इसको प्ले करते हुए हम इसका फेडर को उठाएंगे। बुझे मन चाहे सारा खून तुम्हारे की जातो ना भालो बाशाय भरते अमाय। अगर इतना रिवर्ब काफ़ी है तो यह भी रख दीजिएगा फेडर को, और इसके साथ साथ अब डिले भी लेना है हमको। डिले का इनपुट था 5/6, वो 5/6 आप यहाँ पे इसका आपका जो वोकल ट्रैक है इसका आउटपुट दे दीजिए 5/6। सेम ये फेडर यहाँ पे आ जाएगा 5/6 वाला, तो इसका भी आप सेट कर लीजिए, प्ले कीजिए इसको। सब डिले चल रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं रिवर्ब को बाईपास करता हूँ, ड्राई हो गया। अब डिले को चेक करते हैं, अगर लगता है कि डिले ज्यादा हो गया थोड़ा कम कर दीजिए, और उसके बाद प्लेबैक करके सुन लीजिए एक बार। अगर डिले इतना डिले अच्छा है, अच्छा लगता है आपको सुनने को, तो आप इसके साथ साथ रिवर्ब को भी ऑन कर दीजिए। ये बाईपास था, इसको ऑन कर दीजिए। अब डिले एंड रिवर्ब दोनों को एक साथ सुनिए। बुझे मन चाहे सारा खून तुम्हारे की जातो ना। तो जैसे आपको ये लगेगा कि हाँ पूरा ठीक ठाक है, तो उसके बाद आप इसको कर दीजिएगा ये फेडर को। अभी पूरा गाने के साथ देखिए, बाकी जो गाना का ट्रैक है उसमें इंसर्ट में कुछ प्लगइन्स है ही नहीं, बिल्कुल नेकेड बज रहा है ये। एक टेंटेटिव बैलेंस करने के बाद मैं आपको सुना रहा हूँ। वोकल में सिर्फ डिले एंड रिवर्ब ऐड किया है, और उसके साथ साथ एक्सट्रीम ऊपर में मतलब इंसर्ट सेक्शन में मैंने शेप्स अमनी 73 ये मैंने प्लगइन्स इक्यू प्लगइन्स ऐड किया है, और उसके साथ साथ इक्यूज के नीचे मैंने एक कंप्रेसर लगा दिया है। तो दोनों मिला के आप जब सुन रहे हो तो सुनने को साउंड ऐसा लगेगा, देखिए। बुझे मन चाहे सारा खून तुम्हारे की
आप चाहे इसका लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं वोकल का, सुन के देखिए। तो मेरे ख्याल से आपको शायद अभी आइडिया आ गया कैसे आप रिवर्ब और डिले लगाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रैक में, बाकी जो ट्रैक्स जो है यहाँ पे, अगर मेलोडी ट्रैक है, बोइंग ट्रैक है, तो उसमें आप रिवर्ब और डिले लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवर्ब डिले लगने से पहले जो आप अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलरली उसी ट्रैक में वो जचता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिवर्ब देने से या ज़्यादा डिले देने से आपका प्रोडक्शन खराब हो सकता है, सुनने को खराब लग सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ऑब्वियसली हर ट्रैक में आपको इक्यूज एंड कंप्रेशर देना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भर भर के देना है। जितना चाहिए, जितना आप मुनासिब समझे, उतना ही डिले और रिवर्ब साथ में आपको इक्यूज एंड कंप्रेशर का अप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, रिदिम ट्रैक में कभी डिले और रिवर्ब आमतौर पर नहीं यूज़ होता है। तो रिदिम ट्रैक को छोड़ के बाकी जितना मेलोडी ट्रैक है या बोइंग ट्रैक जितना है उसमें आप लगा सकते हो और ट्राई कर सकते हो। मेरा एक सब्सक्राइबर जो है, हमारा जब शायद बेल्जियम से हमको मतलब रिक्वेस्ट किया था, तो उनके लिए मैं ये ऐड किया हूँ। तो शायद आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना चाहे शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरे को मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए हम लोग आपसे अलविदा मांगते हैं। नमस्ते। Raindrops.